रुबीना हुई सीनियर्स के खिलाफ। तीनों सीनियर्स से अपने हक के लिए अकेली लड़ती नजर आएंगी रुबीना। बिग बॉस में आखिरकार छिड़ चुकी है जंग। कंटेस्टेंट्स और सीनियर्स के बीच देखने मिल रहा है आपसी मतभेद। कल जहां बिग बॉस के दिए गए चैलेंज पर रुबीना अपनी इम्यूनिटी को खोकर मार लिया है उन्होंने घर के अंदर एंट्री और हटा दिया है अपने माथे से रिजेक्टेड का टैग। वहीं अपने बेसिक हक के लिए लड़ती नजर आएंगी रुबीना दिलैक। जहां हीना सभी घर वालों को देती है सिर्फ 7 जरूरत की चीजें जिसमें एक टॉप को गिना जाता है एक कपड़ा, वहीं अब रुबीना उठाएंगी इन पर अपनी आवाज कि अगर एक पेयर ऑफ शूज होता है एक आइटम तो एक सलवार कमीज क्यों नहीं हो सकता एक आइटम। रुबीना को सीनियर्स के खिलाफ जाना पड़ जाएगा भारी क्योंकि हीना ले लेगी ये डिसीजन कि अब उन्हें 2 जूतों में से मिलेगा सिर्फ एक पैर का जूता। जहाँ रुबीना ये भी कहती नजर आएंगी कि वो उन पर अपने डिसीजंस नहीं थोप सकते, जिस पर सिद्धार्थ कहेंगे कि वो ऐसा कर सकते हैं। इतना ही नहीं रुबीना ये भी कहेंगे कि इन सीनियर्स को दिमाग नहीं है, उन्हें सिर्फ पैपे पैपे करना आता है। जहाँ गौहर को रुबीना की ये बातें तो लगेंगी काफी नॉनसेंस। एजाज भी आएंगे रुबीना को समझाते हुए नजर, जहाँ वो कहेंगे कि वो अपने हक के लिए लड़ रही है क्योंकि हीना ने दे दिया है उन्हें सिर्फ एक ही जूता। लेकिन रुबीना की इन बातों ने कर दिया है हीना का पारा हाई और हीना ने तो बना लिया है अपना मन कि वो नहीं देगी किसी को कोई भी लग्जरी आइटम। सीनियर्स और रुबीना के बीच कौन होगा वो जो मारेगा बाजी, ये देखना होगा। क्या अकेले ही रुबीना मनवा पाएंगी हीना और बाकी के सीनियर्स से अपनी बातें? आपको क्या लगता है, क्या जूनियर्स पड़ेंगे सीनियर्स पर भारी? हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।